भोजन अवकाश के बाद लापता बच्चों की अनदेखी भारी पड़ी। स्टाफ कोच हेड मास्टर सहित दो शिक्षक सस्पेंड। स्कूल के भोजन अवकाश बाद नहाने के लिए तालाब गए तो स्कूली बच्चों की डूबने से मौत हो गई। उनका शव स्कूल से कुछ ही दूरी पथरी तालाब में रात साढ़े नौ बजे मिला। घटना सीपत थाना क्षेत्र की। इस घटना ने स्कूल प्रबंधन पर सवाल या निशान लगा दिया। मिली जानकारी के अनुसार दर्राभाटा शासकीय प्राथमिक शाला में कक्षा दूसरी का छात्र वंश पिता दिलीप भट्ट उम्र 8 वर्ष और समीर पिता राम कुमार पटेल उम्र 8 वर्ष मंगलवार को रोजाना की तरह स्कूल गए थे। लंच के समय दोनों अपने दो अन्य साथियों के साथ स्कूल से करीब स्थित पथरी तालाब नहाने चले गए। चारों बच्चे नहाने के लिए पानी में उतरे। कुछ देर तैरने के बाद इनमें से दो बच्चे जो उन्हीं की कक्षा के थे वापस चले गए, लेकिन वंश भट्ट और समीर पटेल वापस स्कूल नहीं पहुंचे। छुट्टी के बाद देर शाम तक दोनों बच्चे जब घर नहीं लौटे तो उनके परिजन परेशान होकर उनकी खोज शुरू किए। पूछने पर अन्य बच्चों ने बताया कि दोनों का बैग स्कूल में रखा हुआ है, लेकिन दोनों स्कूल में लंच के बाद नहीं दिखाई दिए। पूछताछ में पता चला कि स्कूल के दो और बच्चे उनके साथ दिखाई दिए थे, उनके साथ नहाने गए थे। बच्चों ने बताया कि हमारे साथ वो दोनों भी तालाब में नहा रहे थे, हम लोग वापस आ गए लेकिन वो दोनों नहीं आए। इसके बाद परिजन अन्य ग्रामीण तालाब की तरफ गए। शंका के आधार पर रात करीब 9 बजे गांव के कुछ युवकों ने तालाब में उतर कर खोजबीन शुरू की। करीब आधे घंटे की काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों का शव पानी के अंदर मिला। मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को स्कूल परिसर में रखकर शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाध्यापिका दो शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। मौके पर पहुंचे प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार कुर्रे, शिक्षा विभाग की ओर से मस्तूरी बीईओ अश्वजी भारद्वाज, डीईओ कार्यालय से रामेश्वर जायसवाल ने परिजनों के आरोप व ग्रामीणों की मांग पर तत्काल प्रभारी प्रधान पाठक धनेश्वरी प्रधान, सहायक शिक्षक कंचन नवरंग व संतोष भोई को सस्पेंड करने के प्रस्ताव बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा। ग्राम की आम सहमति से अधिकारियों ने विजय शंकर के स्थान पर मृतक वंश भट्ट के पिता दिलीप भट्ट को स्कूल के स्वीपर पद के लिए प्रस्तावित किया। वहीं शिक्षा में कोई बाधा ना इसको ध्यान में रखकर तत्काल मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मिडिल स्कूल से दो शिक्षक को वैकल्पिक स्वास्थ्य व्यवस्था के तौर पर उन्हें बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी। मध्याह्न भोजन समूह की कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई। वहीं दोनों मृतक के परिजनों को प्रशासन की ओर से 4-4 लाख व शिक्षा विभाग की ओर से 1-1 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया गया। बीच में रख के मुआवजे की मांग कर रहे थे, क्या कुछ शासन की तरफ से मुआवजा दिया? शासन के द्वारा 4 लाख दिया जाएगा और 1 लाख शिक्षा विभाग से द्वारा दिया जाएगा। अभी तत्काल में कितने मुआवजे के? तत्काल का नहीं रहता, 4 लाख दोनों को अलग अलग मिलेगा। हाँ, अलग अलग 4-5 लाख मानो। इस तरह की घटना क्या शिक्षा विभाग को शोभा देती है? नहीं, नहीं देता। ये घटना का दायित्व किसके ऊपर जाती है? शिक्षा विभाग के ऊपर जाता है और उस तीनों शिक्षक को सस्पेंड करने के लिए हम लोग प्रस्तावित करके भेज दिया जिला शिक्षा अधिकारी को। सर, ग्रामीण जो है स्कूल में अव्यवस्था है जो, हाँ, उसके लिए भी उसके लिए क्या करवाई? उसके लिए से यहाँ का जो शिक्षा प्रधान पाठक है उसको निर्देश दिया गया है और बीओ साहब को बताया गया कि यहाँ का साफ सफाई पूरा गंदगी है, उसको तत्काल साफ कराया जाए और एक गड्ढा है उसको तत्काल पाटने के लिए निर्देश दिया गया है। क्या घटना हुआ है, क्या मामला लेके आपने सिंबत थाना पहुँचे? अब हमारे लड़का मान स्कूल 9:30 बजे गई से भाई। कौन कौन लड़का? नाम वंश भट्ट और समीर पटेल। घर से दोनों जन स्कूल लड़का मन एक संग अपन ओकर बाद वो मन स्कूल गई से भाई। कहाँ लंच के छुट्टी हुई है कहा थे, मतलब लड़का मन बतात रही से लंच के छुट्टी हुई से तो मन खाना खाए कि नहीं खाए बोला नहीं पता है। ओकर बाद वो लड़का मन अब मन स्कूल में आ गई से भाई, वो लड़का मन आए से नहीं रही से। शाम कन फिर पता करे हन 4:30 बजे तक, मतलब 4 बजे छुट्टी होती स्कूल के। ओकर बाद पता करें तो पते नहीं चली से, तो जे लड़का मन उकर संग में पढ़त रही से उकर मन के घर में जाके पता करे हन तो आउ लड़का मन अपन अपन घर आ गई से। तो एक झन लड़का है बताई से भाई कि हम तालाब मत नहात रहे हन कह के। ओकर बाद हम पूरा गांव बस्ती के मन सब जुड़ मिल के पूरा गली मोहल्ला अगल बगल 5-7 किलोमीटर तक के गांव वाला पूरा ढूंढे हैं हम। ओकर बावजूद भी नहीं पता चले से फिर जाके पूछे हैं तो लड़का बताई से कि हम तोड़त रहे हैं तालाब में ऐसे कह के। तब फिर जाके देखे हैं और जगह ला बताई से लड़का संग में जाके कई जगह नहात रहे कह के। बस यही कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई जिसमें हमारे ग्राम के ही दो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो क्लास पहली में और क्लास दूसरी में पढ़ाई करते थे, कल रोज़ की तरह दोनों ही बच्चे अपने घर से स्कूल के लिए 9:30 बजे निकले थे और करीब 1.5 घंटे लंच 1.5 बजे लंच के समय से 4 बच्चे स्कूल से गायब थे, जिसकी जानकारी वहां के टीचरों को पहले से थी। चारों बच्चे
स्कूल से ही सटे 500 मीटर के अंदर में एक तालाब है पथरी तालाब करके, वहाँ चारों बच्चे नहाना चालू कर दिए, जिसमें से दो बच्चे जब डूबना चालू किए तो दो बच्चे डर के मारे स्कूल वापस आ गए उनके कपड़ों को लेके, और उनके कपड़ों को स्कूल में ही रख दिए दोनों बच्चे डर से भय के कारण, जिसकी जानकारी भी वहाँ के टीचरों को थी। लेकिन उसके बाद भी 4 बजे जब सभी बच्चों का छुट्टी हुआ तो वहाँ के शाला के ना तो किसी टीचर ने ना वहाँ के किसी प्रबंधन ने उनके पालकों को ये बताना जरूरी समझा कि उनके बच्चे स्कूल से 1:30 बजे से गायब हैं और 4 बजे तक छुट्टी होने तक वो बच्चे वापस नहीं लौटे हैं, और उनका पुस्तकों कपड़ा स्कूल में रखा था, उनका कपड़ा भी स्कूल में रखा था, उनका पढ़ाई का पूरा बैग भी स्कूल में रखा था, लेकिन फिर भी इतना कुछ जानकारी होने के बाद भी शाला प्रबंधन के द्वारा ना तो उनके पालकों को जानकारी दी गई ना तो गाँव के किसी ग्रामीणों को जानकारी दी गई। दूसरे शिक्षक अभी व्यवस्था करेंगे सर। सर ग्रामीण जो है आपके पास टीचरों के खिलाफ कार्रवाई आवेदन लेकर गए थे, आप उस पर क्या प्रतिक्रिया? उसमें आवेदन लेके गए थे मेरे को, मैं उनको बताया हूँ कि एडीएम साहब के आपके जो मुआवजा की कार्रवाई होती है उसमें उनको आवेदन कीजिए। और रही बात, हमने उसमें मरकमांग 1900 मरकमांग 20 कायम करके उसमें जाँच कर रहे हैं, जाँच में जो तथ्य सामने आएंगे और शिक्षा विभाग के द्वारा जो नेग्लिजेंसी उन टीचरों के खिलाफ पाई जाएगी उनके द्वारा प्रतिवेदन दिया जाएगा, विधिवत कार्रवाई की जाएगी। समय न्यूज़ लाइव, प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।